हे गाइस, वेलकम टू एच एच टेक जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर रिव्यू बताने वाला हूँ MIUI 10 के ग्लोबल बीटा रोम 8.12.13 के बारे में। दोस्तों, ये जो अपडेट सभी के लिए आ गया, साथ ही मैं आपको यहाँ पर लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही बताऊंगा कि यहाँ पर क्या फिक्स देखने मिला है और साथ ही हमें यहाँ पर क्या न्यू देखने को मिला है। दोस्तों, अगर आपके पास भी शोमी के डिवाइस है और आप यूज करते हैं उसमें MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आपने आज के हमारे ये वीडियो शुरू से लेकर अंत जरूर देखनी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास वाले बेल का आइकन आएगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ताकि जब भी हम नए की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। शायद दोस्तों, आपने इस वीडियो ज़्यादा लाइक करना, शेयर अवश्य करना है। अब बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भी यूज करते हैं MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम, तो उन्हें हर वीक ही यहाँ पर एक न्यू अपडेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे पास है इसमें Redmi 4, तो जिसमें मैं MIUI 10 का बीटा वर्जन चलाता हूँ। तो दोस्तों, मुझे इसमें अपडेट मिल चुका है, तो मैं आपको सेटिंग में लेकर चलता हूँ। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास है Redmi 4 और इसमें मैं चला रहा हूँ MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम, और ये बीटा रोम मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ 8.12.13, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सिस्टम अपडेट में भी जाकर दिखा देता हूँ कि जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये न्यू अपडेट मैंने इंस्टॉल कर ली है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या खास देखने को मिला है। तो मैं 3 डॉट में जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ व्हाट्स न्यू में, तो क्या हमें क्या खास देखने मिला है। तो यहाँ पर उसने केवल एक ही यहाँ पर फीचर बताया इन्होंने सेटिंग में, ऑप्टिमाइजेशन द ऐप सेक्शन ऑफ द सेटिंग गोट ए स्ट्रक्चर रिवैम्प। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्या खास है, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर अन्य फीचर की। तो यहाँ पर बात करते हैं अब एंड सिक्योरिटी पैच की। तो दोस्तों, सिक्योरिटी पैच अभी तक भी मेरे डिवाइस में अक्टूबर महीने से चला, जाने की 1 तारीख 10वां महीना 2018 के चल रहा है। यहाँ पर मुझे 9 नवंबर का अभी तक अपडेट मिला है सिक्योरिटी पैच, और 9 दिसंबर का मिला है। लेकिन जिनके पास न्यू डिवाइस है, जैसे कि Redmi Note 5 Pro हो गया, Redmi Note 6 Pro हो गया, तो उन सभी को यहाँ पर दिसंबर का सिक्योरिटी पैच मिल गया है आज की अपडेट में, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं कि ये अपडेट सस्पेंड किसके लिए हुआ। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि जिनके पास Redmi Note 5 है तो ये उनके लिए अपडेट सस्पेंड हो चुका है। दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Note 5 है तो शायद ये आपको अपडेट ना मिले। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो न्यू आया वो क्या फीचर देखने को मिला है। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ एक ये सेटिंग आ रही है, सिस्टम ऐप सेटिंग। तो दोस्तों, ये एक न्यू फीचर देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, ये जो फीचर है ये कुछ लास्ट वाले अपडेट में मिल गया था, लेकिन जो बाकी के जो डिवाइस बचे हुए थे तो उन्हें इस बार ये अपडेट देखने को मिल गया है। अब बात की है यहाँ पर दूसरे चेंज की। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यूजर गाइड देखने को मिली है नीचे पर, लेकिन दोस्तों मेरे जो अभी डिवाइस में यूजर गाइड नहीं आई है, लेकिन इनके पास Redmi Note 5 Pro वगैरह है तो उनके जो सबसे नीचे जाकर ना आ जाती है यूजर गाइड, तो उसमें बताया गया कि आप किस प्रकार डिवाइस चलाना। तो दोस्तों, ये नॉर्मल सी बात है, वो वैसे भी हर किसी को पता ही आज के टाइम में। तो ये तो बात होगी पूरी की पूरी क्लियर। तो दोस्तों, अगर आप हैं स्टेबल वर्जन पर, तो दोस्तों आपको अब केवल ये वाली जो वर्जन है फ्लैश कर सकते हैं इस अपडेट करने के लिए अपने डिवाइस को, अगर आप स्टेबल से बेटा जाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारे के सारी। तो आप बात करते हैं यहाँ पर ये लिंक वगैरह की। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर आ चुका MI कम्युनिटी पर, और जब मैं यहाँ पर ये लिंक ओपन करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर इसके सारे के सारे थ्रेड है वो ओपन हो जाएगी, साथ ही डाउनलोड लिंक वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपको लिंक कौन से डाउनलोड करनी है अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ यहाँ पर 2 प्रकार की इन्होंने रोम दी हो जाती हैं, तो लेकिन दोस्तों आपने करनी है ये जो रिकवरी रोम होती है ये वाली ही फ्लैश करनी है, जो ऊपर वाली होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये Redmi 4 है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ इन्होंने अपडेट फ्लैश, तो ये 1497 MB लिखा हुआ है, ये बिगोता वाली ऊपर वाली ये करनी है। वो फास्ट बूट फ्लैश लिखा हुआ है, दोस्तों ये वाली आपने इंस्टॉल नहीं करनी है, क्योंकि ये एक फास्ट बूट होता है तो ये आपको इंस्टॉल नहीं होगा आपके डिवाइस से। इसके लिए आपको TRW रिकवरी वगैरह के साथ लेनी पड़ती है इसे इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन अगर आप जो ऊपर वाली रिकवरी रोम होती है अपडेट फ्लैश वाला लिखा हुआ है तो वो डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके आप फ्लैश कर सकते हैं बड़े आराम से किसी भी डिवाइस में, अगर आप किसी भी स्टेबल वर्जन पर हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बीटा वर्जन में हैं तो दोस्तों आप अपने डिवाइस में अपडेट चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको कम MB का अपडेट मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको अपडेट दूंगा वो बहुत ही साइज का बड़ा होगा। दोस्तों, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं फाइल को तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फ्लैश कर सकते हैं अपने डिवाइस में। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में तो यही थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सर ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।